लंबे सफर की छोटी सी दास्तान। अस्सलाम वालेकुम, मैं एहसान अली ठाकुर आपके साथ एक और सेगमेंट के लिए हाजिर हूँ। इस बार हम लोग डिस्कस करेंगे MIUI 13 के ऊपर। नई अपडेट आई है चाइना की, जो रेडमी नोट की कंपनी है उन्होंने नया लॉन्च किया है अपना। जिस तरह से एंड्रॉइड होता है इस तरह से सेम MIUI का प्लेटफॉर्म होता है, ये साइड बाई साइड चल रहा है। एंड्रॉइड भी होता है इसमें और MIUI का भी सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता रहता है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो किसी ने या इंडिविजुअल या कंपनी ने प्रमोशन के लिए नहीं दी है, ये मैं अपने सेल्फ बेसिस के ऊपर पब्लिक को आगाह करने के लिए कर रहा हूँ। फीचर्स के ऊपर बात करते हैं। फीचर्स के अंदर हमने जो आपको बताना है वो दो तीन चीजें हैं। एक अपडेट जो है ये 13.0.4.0 SKFM IXM है, तो ये है ना काफी लंबा सा है, आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द रेफरेंसेस। और दूसरी बात ये इसके अंदर जो अपडेट्स आई हैं वो सिक्योरिटी पैचअप से बहुत ज्यादा किया हुआ है फोकस, और एंड्रॉइड के भी जो सिक्योरिटी पैचअप थे उसके ऊपर भी इन्होंने वर्कआउट किया हुआ है। फिर जो इसके अंदर थीम्स और रिसोर्सेज थी, जो कि सॉरी टू से पाकिस्तान के अंदर थीम्स अभी तक एलोकेट नहीं हुई और दूसरी है ना स्टोर्स ओपन नहीं हुए, लेकिन उसके अंदर बहुत कहते हैं मॉडिफिकेशन आई है। फिर कहते हैं कि इसके अंदर जो फ्लोटिंग विंडोज हैं, फ्लोटिंग विंडोज एक सिंपल सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट है जो कि रेडमी ने अपने एप्लीकेशन के लिए इंट्रोड्यूस कराया हुआ है, जो कि दूसरे मोबाइल में भी है, सैमसंग के अंदर नोट की सीरीज और दूसरे में था, अब नोट रेडमी के अंदर भी अवेलेबल है, जिसके अंदर आप साइड में रख के दूसरी काम भी कर सकते हैं और वो भी प्रोसेसिंग साथ साथ चल सकती है। फ्लोटिंग विंडोज फॉर एप्लीकेशन बेसिकली आपका एक सिंपल ऐप होती है जो कि आपके रेगुलर वर्किंग के अंदर ही रह के आपकी है ना दूसरी एप्लीकेशन को भी साथ रन कर रहा होता है मेन कोर फंक्शन के ऊपर। जैसे मल्टीपल स्क्रीन हो जाती है हमारे पास डेस्कटॉप या लैपटॉप के ऊपर, सेम टू सेम मोबाइल के ऊपर भी ये फंक्शन आ गया और इन्होंने ऑप्टिमाइज कर दिया। लास्ट बट नॉट लीस्ट जो इन्होंने एक ऑप्टिमाइजेशन का फीचर निकाला है वो माइंड मैपिंग का है। अब माइंड मैपिंग क्या है, एक बेसिकली सॉफ्टवेयर है जो कि रेडमी ने अपने उसमें दिया हुआ है नोट्स बनाने के लिए, आपके पास जो शॉपिंग लिस्ट है या कोई और काम है या कोई आइडियाज कर रहे हैं तो उसके अंदर एक माइंड मैपिंग का भी उन्होंने फॉर्मूला दे दिया, जिसको अगर आप क्लिक करें तो आप है ना इस तरह से चीज़ें इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आपको पीसी बाय करना है तो उसके अंदर सिंपली आप क्या करेंगे कि पीसी का मेन रखेंगे, उसके बाद डेस्कटॉप या लैपटॉप, फिर उसके फर्दर जो कॉन्फ़िगरेशन आप निकालने हैं वो आप है ना ट्रीज निकाल सकते हैं। तो इस वजह से ये माइंड मैपिंग का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसके अंदर जूम इन जूम आउट करके भी आप काम कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें भी हो जाती हैं। सो दैट्स द बेसिक माइंड मैपिंग। अच्छा, पर्सनल ओपिनियन के ऊपर ये जरूर कहूँगा कि ये जो फीचर पाकिस्तान में जो लॉन्च हुआ है वो मार्च के अंदर हुआ है, तो ये फरवरी के अंदर इंडिया में हो चुका था। उससे पहले तकरीबन सुनने को आया है कि ये दिसंबर के अंदर तक लॉन्च हो चुका था, लेकिन पाकिस्तान में आते आते तकरीबन मार्च हो गई है। अपडेट जो है वो 2021 मोबाइल के लिए मोस्टली है, जो 2021 के अंदर रिलीज हुए थे। ये आपको एक जनरल गाइडलाइंस दे रहा हूँ, वरना इसकी जो इंटरनल स्पेसिफिकेशन है वो काफ़ी डिफरेंट है कि इसमें एंड्रॉयड 11 था और दूसरी चीज़ें थी, तो तब जाके ये अपडेट हुआ है 12 टू 13 या 13 के अंदर ऑफर कर। इसका जो ओवरऑल लुक है वो टोटली चेंज हो गया है अपडेट के बाद, और बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। इसमें फॉन्ट भी चेंज हुआ है, इसका आउटलुक भी चेंज हुआ है, एक प्रेजेंटेबिलिटी जो ऊपर से नीचे आते आती है वो भी थोड़ा बहुत मुख्तलिफ रिप्रेजेंट होता है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वर्जन जो कि 12 था। स्टेबिलिटी और ऑप्टिमाइज बहुत अच्छा है, जहाँ तक अभी तक मैंने इस्तेमाल किया कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल सा इन्होंने अपडेशन के अंदर बहुत सारी इंप्रूवमेंट की है जो कि काफ़ी स्मूथ हो गई है, स्क्रीन टच और दूसरी चीज़ें भी। हाँ, छोटा मोटा इधर से उधर कुछ रेगुलर चीज़ें के ऊपर होता रहता है, लेकिन ओवरऑल अभी तक मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नज़र नहीं आया। जो सबसे बेस्ट फीचर इनका मुझे लगा है, जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि माइंड मैपिंग का इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है, ये मेरी नज़दीक ऑसम फीचर है। जो भी क्रिएटर्स होते हैं, चाहे कॉन्टेंट के हो या आइडिया को लाना चाहते हैं, तो माइंड मैपिंग इज़ वन ऑफ द वेरी बेस्ट टूल्स के मोबाइल के अंदर ही उन्होंने आइडिया किया, उसको सर्कुलेट किया और उस पर जो भी आइडियाज़ को और ट्रांसलेट देखें, तो दैट इज़ हैंड हेल्ड डिवाइस फॉरन आप कर सकते हो। दूसरे एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, जबकि आपके बिल्ट इन एप्लीकेशन में दिया जाता है, ये तो एक फ्री की एप्लीकेशन मिली है। इशूज़ के ऊपर आप बात करते हैं। सबसे पहला इशू MIUI 13 के अंदर जो रिपोर्ट हुआ है, जब आप 12 से 13 में जाते हैं तो एक DJI यूजर्स के लिए एक एरर मैसेज या वार्निंग मैसेज आएगा कि शायद ये रन ना हो, और वाकई में DJI के जो भी सॉफ्टवेयर्स है वो 13 में रन नहीं होते। तो DJI यूजर्स प्लीज़ बी अवेयर कि अगर आपके पास कोई भी डिवाइसेज हैं जो कि आप इस रेडमी और MIUI के साथ चला 13 के साथ चलाना चाह रहे थे, तो शायद वो कंपेटेबल नहीं रहेगा। आप तो आप बेहतर है कि कोई और है ना तरीका या कोई और मोबाइल का सॉफ्टवेयर देखें बनस्बत इसके ऊपर आप आने गए। MIUI 13 तकरीबन 3 GB से अबव थोड़ी स्पेस लेता है, तो आपके पास इतनी स्पेस होनी चाहिए कि वो उसको मिटिगेट कर सके। लेट्स सपोज अगर नहीं है तो मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि अपने सॉफ्टवेयर और जो भी आपका एक्स डेटा है उसको बैकअप करके रख लें, जस्ट इन केस कि कोई प्रॉब्लम राइज ना हो। बाकी तो ऐसा इतना बड़ा भी इशू नहीं है।
ओवरऑल जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है एम आई यू आई 13 के ऊपर मेरा बहुत स्मूथ रहा है, ओवरऑल सही रहा है, एज सच कोई बड़ी कंप्लेंट्स नहीं है। दूसरी ये चीज़ है कि सिवाय DJI यूजर्स के लिए, जो कि मैं अभी भी कहता हूँ एक बहुत बड़ा सेट बैक है, DJI को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा या रेडमी के साथ कुछ पैचअप्स बनाने पड़ेंगे ताकि सॉफ्टवेयर रन हो सकें। ओवरऑल बाकी कोई ऐसा मुझे नजर नहीं आया प्रॉब्लम। ये सेगमेंट यहाँ पे क्लोज करते हैं और अब मैं आपसे इजाज़त दूंगा। इजाज़त से पहले मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूँगा कि डू लाइक सब्सक्राइब, और अगर आपके पास कोई फॉलोइंग ऑप्शन है तो वो भी अलाउ करें। प्लस इफ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज डू लेट मी नो, ताकि उस सवाल के हिसाब से मैं जवाब दे सकूँ और हमारा एक प्रोडक्टिव एक्सपीरियंस रहे। तो टेक केयर, शबा खैर, अल्लाह हाफिज़।